नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फिर एक बार स्वागत है आपका बाबा टेली टेल 2020 के ब्लॉग में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा वैलेंटाइन डे की और 14 फरवरी 2019 की और उससे पहले जो बहुत कुछ हुआ है उसकी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इसमें मैंने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, तो कृपया कमेंट में जरूर कहें। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें, समझें, उसके बाद अपने कमेंट जरूर करें। तो गाइज, सबसे पहले तो वैलेंटाइन डे बनाते हैं लोग, वो उनका शौक है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। दूसरा, 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमारे CRPF के जवान शहीद हुए थे, जो लोग कहते हैं कि मैं एक इंच कम हो जाता हूँ तो फौज से मुझे बाहर निकाला देते हैं, और जो टुकड़े टुकड़े हमारी माता बहनों और भाइयों के हाथ गए, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। टुकड़े हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, इसमें हमारे जवानों का कोई दोष नहीं, इसमें हमारे जवानों के सीने का कोई दोष नहीं। परंतु मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, चाहे YouTube के माध्यम से बहुत लोगों ने दी गई होगी, कि वैलेंटाइन डे का जो 14 फरवरी का दिन है, वो आप मनाओ ना मनाओ वो आपके ऊपर बात है। हम उसमें कोई आर्गुमेंट, कोई गलत बात नहीं कहना चाहूँगा, परंतु ये जरूर कहना चाहूँगा कि कृपया करके 5 मिनट या 10 मिनट उन शहीद बेटों के लिए, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जरूर निकालें। और कई लोग कहते हैं कि इसमें शहीद दिवस मनाया जाता, बिल्कुल गलत है। 14 फरवरी की जो डेट है, इसमें शहीद आज़म भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी का कोई रोल नहीं है, उनको सिर्फ कुछ लोग अपनी हिंसा के लिए जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको फांसी 23 मार्च को हुई थी। तो कृपया इतने महान शहीदों का नाम इस तुच्छ से वैलेंटाइन डे से ना जोड़ें, वो आप मनाएं ना मनाएं वो आपके ऊपर बात है, परंतु हमारे शहीद आजम तीनों भाइयों को इस वैलेंटाइन डे से ना जोड़ें। तीसरा, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं आपसे कृपया यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा कि वैलेंटाइन डे के दिन आप मनाओ मत बनाओ, परंतु जो पुलवामा अटैक में हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे फौजी, हमारे जवान शहीद हुए, उनके लिए मात्र 5 मिनट जरूर निकालो यार। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर से जो फौजी जाता है वो इसी आस पे जाता है कि यार रिटायरमेंट हो गया, मैं बच्चों के साथ खेलूंगा, या ड्यूटी से आगे अपनी बीबी को घुमाऊंगा, यार एक बार आगे अपनी माँ को मैंने अच्छी जगह घुमाना है। तो गाइस प्लीज, इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहना यही है कि उन पुलवामा के शहीदों को कृपया याद करो, 5 मिनट उनके लिए मौन रखो, जितने भी हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त शहीद हुए हैं, उनके लिए सिर्फ 5 मिनट तो जरूर निकालो यार। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनके लिए 5 मिनट जरूर निकालो। और जी जिसने ये वीडियो देखी है, तो प्लीज़ अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो मेरे मन में आए वो बोलता हूँ और सच बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।